जी हाँ, तो पनामा पेपर्स मामले में ऐश्वर्या राय का नाम सामने आया है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय अब इस कंजे में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय का नाम जब से सामने आया है, लगातार ऐश्वर्या राय को ट्रोल भी किया जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से ऐश्वर्या राय का इस तरह से कनेक्शन बताया जा रहा है टैक्स चोरी में, तो अब आपको बता दें कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत का कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से उनका कनेक्शन इसमें सामने आया। जब से आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को ट्रोल किया जा रहा है, तो इसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम सामने आ रहा है। एक यूज़र है जो कि लिखते हैं कि ऐसे ही सब फंसेंगे, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत भी दूर नहीं है अब, अगला नंबर एनसीबी और सीबीआई से रेडी हो जाओ बॉलीवुड वालों। जी हाँ, तो बॉलीवुड को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये जो यूज़र हैं, वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह से अब सब कोई फंसते जा रहे हैं, उस तरह से पूरा का पूरा बॉलीवुड फंसेगा, क्योंकि अब तक तो ऐश्वर्या राय का नाम सामने आया है, धीरे धीरे अब बहुत लोगों का नाम सामने आएगा। एक और यूज़र है, वो लिखते हैं इस पोस्ट पर कि हा हा कर्मा फाइट्स बैक SSR थाली में छेद। जी हाँ, तो जिस समय आपको बता दें कि जया बच्चन ने, जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला चल रहा था, जब रवि किशन ने बयान दिया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, तो इसमें जया बच्चन ने भी अपना बयान दिया था कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, ये बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अब यही बयान पलट कर अब जया बच्चन पे आ रहा है, क्योंकि जिस समय उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतनी सारी बातें कही थी, अब लोग जया बच्चन पूरे के पूरे बच्चन परिवार को इसीलिए ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।